पंचायत चुनाव होने में अभी काफी समय है, लेकिन उसके पहले ही यूपी के बागपत जिले में जिला पंचायत चुनावों को लेकर लोगों में खून खराबा होना भी शुरू हो गया है। ताजा मामला छपरौली थाना इलाके का है, जहां कुख्यात बदमाश परमवीर तुगाना हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने सुनील राठी गैंग के एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद की। हत्या की वारदात को अंजाम आगामी जिला पंचायत चुनाव में अपना वर्चस्व कायम करने के लिए दिया गया था। फिलहाल पुलिस पकड़े गए बदमाश को जेल भेजकर गैंग के अन्य बदमाशों की तलाश में जुटी है। दरअसल आपको बता दें कि मामला छपरौली थाना इलाके का है, जहां 22 जून को उस वक्त कुख्यात बदमाश परमवीर तुगाना और उसके साथियों पर जानलेवा हमला किया गया था, जब वह कुरड़ी गांव में देशपाल सिंह के मकान पर बैठा हुआ था और तभी वहां पहुंची एक क्रेटा कार में सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हुए हमला कर दिया था, जिसमें परमवीर तुगाना को 5 गोलियां लगी थी, जबकि उसके 4 साथियों को भी 3-3 गोलियां लगी थी और परमवीर तुगाना के पैर में गोली लगने की वजह से इन्फेक्शन फैल जाने के चलते टांग को काटना भी पड़ा था। और 29 जून को परमवीर तुगाना ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में दम तोड़ दिया था। वहीं परमवीर तुगाना के भाई की तहरीर के आधार पर पुलिस ने सुनील राठी गैंग के दर्जनों बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और मामले की तफ्तीश में जुटी छपरौली थाना की पुलिस ने हत्या के आरोपी सचिन खोखर को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से एक पिस्टल भी बरामद की है। फिलहाल पुलिस आरोपी को जेल भेज गैंग की अन्य बदमाशों की तलाश में जुटी है। सर, परमवीर तुगाना हत्याकांड में आरोपी गिरफ्तार किया गया है, क्या है पूरा मामला? दिनांक 22/6/20 को थाना छपरौली क्षेत्रांतर्गत ग्राम कुड़ी में ही गोलीबारी की घटना में परमवीर तुगाना व अन्य 4 लोग घायल हुए थे। परमवीर तुगाना की दौरान उपचार मृत हो गई। विवेचना से सुनील राठी पक्ष एवं परमवीर तुगाना पक्ष के व्यक्तियों के मध्य आगामी जिला पंचायत चुनाव की प्रतिद्वंदिता के चलते उक्त घटना का होना प्रकाश में आया है। उक्त केस में कल दिनांक 30/6/2020 को आरोपी सचिन उर्फ मोनू निवासी हलालपुर को नाजायज पिस्टल व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। शेष व्यक्तियों के गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। थैंक यू सर।